हो अगर शेयर्स के बदले एसेट्स मिल सके, बिजनेस खरीद सके। गुड, बाबा को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। Do you think this is your time? तो चलिए शुरू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश के साथ। क्या है कंसिडरेशन अदर देन कैश? देखिए, आपने शेयर्स को काफी तरीके से किया हुआ है, और ये जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है ये कुछ नहीं है, ये एक सिनेरियो प्रेजेंट करता है कंपनीज के सामने कि क्या हो हम मार्केट में शेयर्स के थ्रू एसेट्स परचेज कर लें। मतलब कई बार ये होता है हम शेयर्स के थ्रू मार्केट से कैश उठाते हैं, वो कैश लेके जाते हैं और मशीन परचेज करते हैं। क्या हो अगर हम किसी बिजनेस से डायरेक्टली मशीन एक्वायर कर लें, एसेट्स एक्वायर कर लें, या कोई चलता हुआ बिजनेस ही खरीद लें, रनिंग बिजनेस ही एक्वायर कर लें, और उसके बदले में उन्हें क्या दे दें? शेयर दे दें। म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो हम जब क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, हम बड़े ही सिंपल तरीके से चालू करेंगे। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें प्रीमियम एडअप करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये जो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली सीरीज है, ध्यान से देखिएगा सो दैट आपको समझ में आने लगे कि कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि नीचे लिंक में जो बायो दिया हुआ है, आई होप आपने उससे डाउनलोड कर ली होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यार, मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा कि पहले जर्नल एंट्री सिखाने बैठूं, फिर उसके बाद तुम लोगों को मैं क्वेश्चंस कराऊं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्स लिमिटेड है, उसने बिजनेस एक्वायर किया है राम, अबे तू कितना खाएगा भाई, मुझे भूख लगाती है यार। हाँ, तो जो राम ब्रदर्स है उसका बिजनेस एक्वायर किया है एक्स लिमिटेड ने, मतलब यहाँ पे एक्स लिमिटेड इज द पार्टी विच इज एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स। राम ब्रदर्स का बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं कर रहा ना कि वो बिजनेस में क्या खरीदा है, तो बट ऑब्वियसली अगर बिजनेस खरीदा है तो एसेट्स खरीदे होंगे, और क्लियर नहीं कर रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी है या क्या है या क्या नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्स्चर्स है, कुछ मत करो। एक्स लिमिटेड ने राम ब्रदर्स का बिजनेस खरीदा, मतलब राम ब्रदर्स के सन्ड्री एसेट्स सारे के सारे किसने खरीदे? एक्स लिमिटेड ने। कितने में खरीदे? 1,80,000 में। और उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर्स इशू किए 100 रुपए ईच के हिसाब से, ठीक है। मैंने क्या बोला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली चालू करते हैं एंट्रीज के साथ ताकि हमें समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री शुरू करेंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट में। कैसे पता चला कि एक्स लिमिटेड अकाउंट में जर्नल एंट्रीज करनी है? सिंपल सा फंडा है, जो बंदा खरीदेगा वही बंदा अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए शेयर इशू करेगा, तो हमें उसी बंदे से लेना देना है जो शेयर इशू करेगा, जो इस कंडीशन में एक्स लिमिटेड है, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने राम ब्रदर्स से चीजें खरीदी है। तो दिमाग में ये चीज बिठा लो। अब एक्स लिमिटेड ने क्या किया है? राम ब्रदर्स से एसेट्स परचेज किए, बिजनेस एक्वायर किया है, ये बोल लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे क्योंकि एसेट्स बताए नहीं गए, तो हम क्या करेंगे, जो पहली एंट्री करेंगे उसमें हम एसेट्स को नाम दे देंगे सन्ड्री एसेट्स, मतलब लमसम में हमारे पास एसेट्स आए हैं। कहां से आए हैं? राम ब्रदर्स से आए हैं, ठीक है। तो वो एंट्री हम करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स अकाउंट। नरेशन तुम भी नहीं लिखते, मैं क्यों लिखूं, बता दे रहा ताकि समझ में आ जाए। बीइंग एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम राम ब्रदर्स लिमिटेड और रनिंग बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम राम ब्रदर्स लिमिटेड, जो भी आपको नरेशन लिखना हो, जो भी सूट करता हो वो लिख लो। बीइंग लिखना चाहते हो लिखो, नहीं चाहते मत लिखो, कोई इशू नहीं है। बीइंग लिखना नरेशन में अब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स मैंने डेबिट क्यों लिखा? एज एक्स लिमिटेड, अगर अपन सोच के देखें कि ये एक्स लिमिटेड की बुक्स हैं, तो एक्स लिमिटेड के लिए एसेट्स इक्वल्स टू होगा डेबिट। ये जनरल रूल है, जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है वो कहता है ऑल दी एसेट्स शुड बी डेबिटेड। एक्स लिमिटेड के पास एसेट आ रहा है, मतलब फॉर एक्स लिमिटेड दैट इज अ पॉजिटिव साइन, एसेट आ रहा है उसके बिजनेस में, इसलिए उसने एसेट्स को डेबिट किया। राम ब्रदर्स को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज नाउ एक्स लिमिटेड हैज टू पे राम ब्रदर्स, राम ब्रदर्स को पे करना पड़ेगा, तो राम ब्रदर उसके लिए बन गया लायबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर राम ब्रदर को क्रेडिट साइड लिखा है तो लिखा क्यों है? पेमेंट करना था, डायरेक्टली इक्विटी शेयर से पे कर देते। ऐसा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, या तो आप कैश में पेमेंट कर रहे होंगे या तो आप बैंक में, अगर ये दो कंडीशंस हैं, इमीडिएटली यहां पे टू कैश टू बैंक करके पे कर दो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी और तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो, तो भाई आराम से सुकून से पहले सामने वाले पर्सन को लायबल बनाओ कि मैं इस पर्सन को वो चीज पेमेंट करूंगा, और उसके बाद उसे पेमेंट करते हुए दिखाओ। जल्दबाजी मत करना, आराम से सुकून से करो ना। जल्दबाजी किस बात की है? जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने क्या दिखा दिया यहाँ पे? राम ब्रदर को दिखा दिया एक क्रेडिटर, कि राम ब्रदर को मुझे पेमेंट करना है। क्रेडिट साइड है मतलब क्रेडिटर है, एसेट डेबिट क्यों है? क्योंकि एसेट बन रहा है हमारी फॉर्म के अंदर, वो एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, एंट्री हो गई। अब बोला कि 1,80,000 का राम ब्रदर को टोटल पेमेंट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। राम ब्रदर को अगर आप पे करोगे
पहली कंडीशन के हिसाब से जो कि बोल रही है कि आपने राम ब्रदर्स को पे किया व्हेन शेयर्स आर बीइंग इशूड एट पार, पार पे इशू हुए, ठीक है, उससे तो कोई लेने ही देना नहीं है, चाहे इशू करो आप शेयर्स पार पे, चाहे इशू करो प्रीमियम पे, चाहे दुनिया जहान पे, एक तथ्य कभी चेंज नहीं हो सकता और वो ये है कि राम ब्रदर के खाते में तो 180,000 ही जाएगा। मैंने क्या बोला, चाहे प्रीमियम पे करो चाहे पार पे करो, डिस्काउंट वाला तो मेथड ही खत्म हो चुका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, तो डिस्काउंट तो भूल ही जाओ, या आपको याद ही रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है डिस्काउंट क्या होता है, तो ना पार सोचो ना प्रीमियम सोचो। सबसे पहले तो राम ब्रदर को क्रेडिट कितना डाला था, 180,000, मतलब राम ब्रदर को 180,000 का पेमेंट करना तो जरूरी था, पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट कैंसिल करना पड़ेगा राम ब्रदर का, तो जो लायबिलिटी क्रेडिट साइड दिख रही है जब उसे पे करोगे तो सेकंड एंट्री में राम ब्रदर किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड, ठीक है, 180,000 का पेमेंट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, मत सोचो, अकाउंट से ही होता है, बोलते हो ना, पूछते हो ना मुझसे कंसेप्ट कैसे बनाए, ऐसे बनाओ कि राम ब्रदर का खाता खुला था क्रेडिट साइड, क्लोज करने के लिए किस साइड लेके आ रहा हूं, डेबिट साइड, एसेट का खाता क्लोज नहीं होगा क्योंकि एसेट तो आप बिजनेस के पास परमानेंट हो गए, लेकिन हाँ राम ब्रदर को क्लोज करना पड़ेगा और क्लोज करने के लिए मैं किस साइड लेके आ गया, डेबिट साइड, क्रेडिट से डेबिट कैंसिल आउट होता है, ठीक है, राम ब्रदर को लिख दिया मैंने डेबिट साइड 180,000 से। मैंने आपको बताया मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज दिमाग में बिठा लो कि शेयर्स पार पे करो, प्रीमियम पे करो, दुनिया जहान पे करो, राम ब्रदर के खाते में 180,000 आना ही है, आ गया, अब क्या करें, उसको आप क्या या कैसे पेमेंट कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो हम इक्विटी शेयर्स लिखते हैं, यहां पे मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा 180,000, यहां पे पार है इसलिए सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। क्या किया मैंने, चलिए समझते हैं, इस टाइम पे पता करना क्या जरूरी है, देखिए हमने राम ब्रदर को टोटल पेमेंट किया है 180,000 का, जिसके लिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि हम 100 रुपए का पार पे इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अगर मैं कट ऑफ करना चालू करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने मार्केट में 1800 शेयर्स इशू किए हैं, एंड दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिकॉर्ड। देखो जहां नरेशन की जरूरत नहीं है, जहां मुझे मालूम है कि आप कैपेबल हो नरेशन लिखने के, वहां मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन ये जो सेकंड एंट्री है, जितने मार्क्स इसकी एंट्री कैरी करते हैं उतने ही मार्क्स सीबीएसई 12th बोर्ड में इसका नरेशन भी कैरी करता है, तो कभी भी लाइटली मत लेना। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले, टोटल 180,000 का पेमेंट करना था और पर शेयर वैल्यू जो थी 100 रुपए थी, तो 180,000 डिवाइडेड बाय 100 कितने शेयर्स आ गए, 1800 शेयर्स। अब ये जो 1800 शेयर्स हैं, देखिए मैं नरेशन में कैसे लिखता हूं, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि शेयर्स जो हैं उन पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू नरेशन, हमें बताना पड़ेगा कि हमने 1800 शेयर्स इशू किए मार्केट में, किसको किए हैं, राम ब्रदर्स को किए हैं 100 रुपीज ईच के हिसाब से। अब शेयर्स क्रेडिट साइड क्यों आए, ये भी बता देता हूं, क्रेडिट साइड लिखने का सिंपल सा रीजन है, शेयर्स इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो पैसा आपने मार्केट से उठाया हुआ है और मैंने बताया है कंपनी एंड द ओनर्स बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ओनर्स ने पैसा मिलकर किसमें लगाया है, कंपनी में, इसलिए कंपनी उस पूरे पैसे को जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू लगाया हुआ है उसको एक लायबिलिटी मान के चलती है और लायबिलिटी क्रेडिट साइड आती है। तो ये दिखा दिया हमने यहाँ पे, सीधी सी बात ये हुई कि हमने एसेट्स को उठाया है किसके अगेंस्ट में, शेयर्स के अगेंस्ट में, एसेट्स आए साथ ही साथ शेयर्स की लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है वो शेयर्स के थ्रू किया है, एसेट्स टू इक्विटी शेयर्स एक तरीके से बचता है, राम ब्रदर्स क्रेडिट और डेबिट होके एक तरीके से बोला जाए, कंसेप्चुअली बोला जाए तो कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, राम ब्रदर्स को दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अपार्ट फ्रॉम कैश पेमेंट्स और बैंक ट्रांसफर्स कुछ भी करते हो तो उस केस में आपको किसको पेमेंट करना है उसे शो करना पड़ता है। चलिए इसी सेम क्वेश्चन में ये करके देखते हैं कि अगर मार्केट में ये शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू होते तो क्या होता। तो यही जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला कि हम शेयर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 20% मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी दो एंट्रीज होंगी और दूसरी वाली एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, ये कहानी को कोई चेंज नहीं कर सकता जितना मैंने लिखा है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा के कर दें वो, लेकिन ये कहानी चेंज नहीं कर पाएंगे और वो ये है कि राम ब्रदर को 180,000 रुपए ही देने हैं। तुम्हारा घर है, तुम्हारी कंपनी है, तुम शेयर्स के साथ जो खेल रचाना चाहते हो रचा दो, शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करना है, शेयर्स को पार पे इशू करना है, करो, लेकिन राम ब्रदर के हाथ में 180,000 रुपए पहुंच जाने चाहिए क्योंकि राम ब्रदर से आपने 180,000 के एसेट्स परचेज किए। सिंपल फंडा, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। आगे क्या, मैं यहां पे जब राम ब्रदर्स को पेमेंट कर रहा हूं तो ध्यान से देखना, 180,000 का टोटल पेमेंट होगा, लेकिन अब जो शेयर प्राइस है वो बढ़ के हो चुकी है 120। कैसे, क्वेश्चन देखो, 100 रुपए है पार वैल्यू और ऊपर से 20% का प्रीमियम है,
₹100 पार वैल्यू पे प्रीमियम निकाला जाता है 20% का, ₹100 का 20% कितना हुआ ₹20, ₹100 + ₹20 ₹120 नेट वर्थ हो गई है आज के टाइम पे किसकी, इक्विटी शेयर की। पर शेयर वैल्यू कितनी हो गई है 120। चलिए करके देखते हैं, यहां पे अगर हम निकालेंगे तो 1500 शेयर्स निकल के आएंगे। ये 1500 शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए 180,000 के पेमेंट के लिए। देखिए भाई, आप प्रीमियम को SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप एक और नाम से जानते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, जो SPR है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं। क्यों? बिकॉज आप मार्केट से एडिशनल वैल्यू उठा रहे हो। आप मार्केट से ₹100 उठाते, लेकिन क्योंकि आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, तो आप मार्केट से ₹100 की जगह ₹120 भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेमेंट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज कम्स एज अ बोनस फॉर यू, ऑल्दो यू आर मेकिंग अ पेमेंट, बट स्टिल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो क्या है, क्या कर रहा है आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है इसलिए आप मार्केट से पैसा ज्यादा उठा सकते हो। तो कहने का मतलब हुआ कि मैंने जो पेमेंट किया वो मैंने कुछ पेमेंट अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से किया और कुछ पेमेंट मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के थ्रू मैनेज हो गया, तभी तो मुझे मार्केट में कम शेयर इशू करने पड़ रहे हैं। अगर मैं पार वैल्यू देखूं तो उसमें मैंने क्या किया था, 1800 शेयर इशू किए थे, 1800 शेयर, लेकिन अब मुझे सिर्फ कितने शेयर इशू करने पड़ रहे हैं 1500। दैट इज एन एडवांटेज फॉर मी ना यार। क्यों एडवांटेज है? क्योंकि मुझे अब कम शेयर इशू करने पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली, जब मेरे शेयर प्रीमियम पे हैं। अगर पार पे होते तो ज्यादा शेयर इशू करने पड़ते, जैसे इससे पहले वाली कंडीशन में देखा था। तो चलिए कर लेते हैं। हाँ भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, शेयर्स कितने हैं 1500 शेयर्स निकाले थे हमने, 1,80,000 डिवाइडेड बाय ₹120 के हिसाब से 1500 शेयर्स आए थे, और पर शेयर वैल्यू कितनी है बेटा ₹100 है। कितना हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया 1,50,000 का। फिर SPR 1500 शेयर्स पे हमें SPR भी मिला कितने रुपए का, ₹20 का, मतलब कितना हुआ SPR टोटल 30,000। कहने का मतलब यह है कि जो पेमेंट है वो एक तरीके से SPR और इक्विटी शेयर कैपिटल ने मिलकर संभाल लिया। 1,80,000 का राम ब्रदर के हाथ में 1,80,000 पहुंच गए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम किस तरह से पेमेंट करते हैं, सिर्फ एक चीज से लेना देना होता है और वो ये है कि राम ब्रदर के हाथ में कितना पैसा पहुंच जाना चाहिए, 1,80,000 रुपीज। नरेशन फिर से मैं बोलूंगा, ध्यान देना, 1500 शेयर्स, इसका नरेशन बता रहा हूं सेकंड वाली एंट्री का, 1500 शेयर्स इशूड टू राम ब्रदर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये नरेशन अगर नहीं लिखोगे तो आप सफर करोगे, क्योंकि उसके भी इस एंट्री के हिसाब से मार्क्स होते हैं। नरेशन लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको इस पर्टिकुलर एंट्री के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए ट्विस्ट ट्विस्ट खेलते हैं और एक एडिशनल थोड़ा सा हायर लेवल का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि इससे थोड़ा ऊपर उठ सके ना यार, जरूरी है। चलो, so if you like our videos hit the like button, subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercebaba.in, aur ha aakhir mein agar aapko sare notifications chahiye commerce baba se to wo ghanta dabana mat bhuliyega, dhanyawad।